भोपाल जिला पंचायत कार्यालय में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा यहां पर किया। दिग्विजय सिंह ने मंत्री भूपेंद्र सिंह की गाड़ी को रोका। जिला पंचायत सदस्य को लेकर मंत्री पहुंच रहे थे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस समर्थित सदस्यों को अगवा करने का आरोप यहां पर दिग्विजय सिंह ने लगाया। बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगा है। कांग्रेस ये सियासी आरोप लगा रही है, यह कहना है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। किसी का अपहरण हुआ तो केस दर्ज कराएं, ये बात कही है भूपेंद्र सिंह ने। और बेबुनियादी आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं, ये बड़े आरोप भूपेंद्र सिंह ने लगाए हैं। तो देखिए हंगामे की तस्वीरें सामने आई है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में टकराव करते नजर आए। इधर कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला, तो वहीं सरकार की ओर से बीजेपी की ओर से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला। तो बड़ी संख्या में कांग्रेस बीजेपी के नेता कार्यकर्ता टकराव करते नजर आए। वोट वो लोग डाल गए जो अधिकृत नहीं थे और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पे 9 वोट डलवा दिए। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास खबर आई है कि वो लोग भी टेंडर वोट डलवाना चाहते हैं। वो बैठे कैंडिडेट अंदर और इसमें हमारी आपत्ति है और हम उम्मीद करते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हमारे हैं रिटर्निंग ऑफिसर, वो नियम और कानून का पालन करेंगे, शिवराज सिंह चौहान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, प्रभारी मंत्री के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। तो जिन जिनका हम लोगों ने अपहरण या भाजपा के लोगों ने अपहरण किया है तो उनके परिवार के लोगों से शिकायत कराए ना। उनके परिवार के लोग तो कहेंगे ना कि हमारे परिवार के सदस्य का अपहरण कर लिया है, तो कोई सदस्य तो बोले कि अपहरण हुआ। तो ऐसे कांग्रेस के कहने से अपहरण कैसे हो जाएगा? वो एक रिपोर्ट कराए ना उनके परिवार में, बहनें, माता पिता, पत्नी, किसी से तो रिपोर्ट कराए कि हमारे सदस्य को भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती उठा कर। हार की निराशा है सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं।